सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली मैं आज बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में रिव्यू। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि ये मेरे को लिए हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसका फीडबैक दिया जाए और कैसी बाइक है कैसी नहीं है बताया जाए। सो मैंने, जैसे कि आप सबको मोस्टली लोगों को पता है कि मैंने नई हेलमेट और राइडिंग जैकेट ली है। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जैकेट कहाँ से ली और इतने सस्ती कैसे ली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो मैंने डिटेल्स मॉडिफिकेशन की वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मडगार्ड लगाया जाओ, जो कि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी आता है वो पीछे आता था वो मैंने रोक दिए। एंड आप ये बताइए कि हाईलाइट करके ये कैसी लग रही है। तो गाइस मैं बात करता हूँ इसके प्लस पॉइंट्स की। तो प्लस पॉइंट्स बताया जाए तो इस बाइक में माइलेज जो है आपको सिटी प्लस हाईवे बहुत अच्छा मिलने वाला है। पावर अच्छी है, स्मूथ है, क्रिस्प है। एंड बाकी जो लुक्स है, ब्लैक कलर तो आप देख सकते हैं, एक यूनिक पीस है। तो इसके अब नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि पॉजिटिव तो यही है कि इसका रिफाइंड इंजन है, लुक्स अच्छी है, पावर अच्छी है, माइलेज अच्छी है भाई। और जो नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँ वो मैं आपको शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना पॉजिटिव पॉइंट में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना नेगेटिव में था। नेगेटिव इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, जो भी गाड़ी हमेशा आप देखते हैं, अगर आप सिंगल राइड करें तो इतना टच नहीं होगा, जब आप पिलियन राइड करेंगे तो आपको ना ये जो एग्जॉस्ट है ना यहाँ से टच करेगा। तो अगर आपको उसका भी एक सोल्यूशन है अगर करना चाहें तो हैंडल बार राइजर लगते हैं यहाँ पे, जिससे आगे का सस्पेंशन राइज हो जाएगा, रियर वाला तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको इसमें वाइजर एडजस्टेबल मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट होकर आप, अभी मैंने इसको बिल्कुल डाउन कर दिया, अभी मैं थोड़े दिन तक इसको फिर से ऊपर कर दूँगा एंड इसको ब्लैक टेपिंग कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी आप लुक्स बताइए कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है बाइक की। सो गाइस बात की जाए इसके ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग जो मुझे लगती है रेयर में जो है, जैसे कि सभी बाइकों में कम होती है, तो बट इसकी मुझे लगती है कि बाइट अच्छी है। बाकी फ्रंट में आप सबको मालूम है कि इसमें यार 650 cc एंड ड्यूल डिस्क है, तो ऊपर से ABS है, तो जो इसकी ब्रेकिंग है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की, अगर आप वाइजर नीचे रखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा अलग टाइप का फील आता है। जब ये ऊपर होता है तो ये सही में टूरिंग वाली फीलिंग देती है। एंड ये जो मिरर्स है ना कुछ ज़्यादा बाहर है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से ना थोड़ा मिरर टूट गया, बिकॉज जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे छोटी गली है, तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है। तो गाइज आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। एंड अब बताइए इसको रैप कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। आपको राइडिंग जैकेट बताऊंगा कि मैंने 3500 की ली है, कहाँ से ली है और क्या कंडीशन है। एंड गाइज अगर इसकी मेंटेनेंस की बात की जाए, तो मेंटेनेंस भाई आपको अगर मैं बताना चाहूँ क्लियर वर्ड्स में, तो आपको जो पिछले डिस्क पैड्स हैं वो अराउंड 1500-2000 रुपीज़ के मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी वाले। एंड जो फ्रंट वाले हैं वो आपको नियर अबाउट 3800-4000 रुपीज़ में आपको पेयर मिल जाएगा। तो ये भाई डिस्क पैड की बात होगी, ये तो भाई आपको 10,000 किलोमीटर के बाद ही चेंज करने हैं, जो आपको वो टाइम इसका है लाइक 5-6,000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी है। तो इसमें आपको जो एयर फिल्टर है 4000 का है, ऑयल फिल्टर 5-600 का, ऑयल जो आपको यूज़ होगा इसमें 2.2 लीटर होता है, तो ये कुछ ऐसा है। बाकी आप डिपेंड करते हैं कि कौन सा ग्रेड यूज़ करते इसके लिए। एंड आप बताइए कि हेलमेट कैसे लगी कैसे नहीं लगी। तो ये जो हेलमेट मैंने लिया है 5150 की लिए SMK की, ब्लूटूथ रेडी है। तो बाकी शॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ कि कौन सी राइडिंग जैकेट ली हुई, तो मिलते हैं आपको। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।